अच्छा मिस्टर राजू, रिहाई मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब। वो देख राजू, तेरा शहर, तेरा घर, तेरी जिंदगी, तेरी खुशियां, तेरी यादें। माँ जल्दी से खाना खिला दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे ये क्या आदमी बना, ठीक से खा, पहले हाथ मुंह तो धोआ। गाड़ी आ रही है माँ। अरे गाड़ियां तो आती जाती ही रहेंगी, कुछ दुकान के लिए भी सोचना है कि नहीं? एक बच्चे के हाथ दे रखिए, पूजा आके रख देगा। बाप बेचारा मेहनत करता मर गया है कि बेटे के लिए दुकान छोड़ जाऊं और बेटे को गाइड बनने का भूत दबा। माँ बंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास से, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन से, न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस से जो भी टूरिस्ट आता है, स्टेशन पर उतर के क्या पूछता है? राजू गाइड कहाँ है? राजू गाइड आता हूँ माँ, गफूर के लिए। अरे अरे ठीक है राजू। बस बस बस, गाड़ी का गला बैठ जाएगा यार, ये लीजिए तेरा हिस्सा। चल तो भला देखे स्टेशन कितनी देर में पहुँचाती है, क्या बोलता है, टैक्सी है तेरी? चल मिल गया, बता दे स्पीड। आप पान खा कर देखिए साहब, सुपारी मैसूर की, पत्ता कलकत्ते का, कत्था बम्बई का, चूना बीकानेर का। पान न हुआ, राष्ट्रीय एकता हो गई। सुनो राजू, तुम मेरे बेटे से काम बहुत लेते हो, तनख्वाह बहुत कम देते हो। 10 रुपए देता हूँ बाहर, उसे कौड़ी ना मिले, बल्कि तुमसे मुझे कुछ लेना चाहिए कि तुम्हारे आवारा लड़के को ठिकाने पर लगा के रखा है। ये बात है, ला हिसाब दिखा। राजू सर, आजकल लोग चीजें खरीदने कम आते हैं, मगर राजू गेट के पिता दादा पूछते हैं। दिलीप बेटे, अभी तुझे जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आप हैरान होंगी कि इतने बड़े बड़े आलीशान महलों को छोड़कर मैं आपको यहाँ कैसे ले आया। इट इज वेरी सिंपल। कवियों ने पेरिस की गलियों पर गीत लिखे, रोम और वेनिस के कूचों पर दिल लुटाए, जौक साहब तो यहाँ तक फरमा गए हैं कि कौन जाए जौक दिल्ली की गलियां छोड़कर। और यकीन मानिए, बंदा अगर गाइड ना होकर गायक होता तो जोगी बनकर गली गली उदयपुर की गलियों के ही गीत गाता। आ मारा शहर नू चिड़ियाघर छे, तमे मोर साथे वार्तालाप करो। अरे हूँ जरा बीड़ी पीने आऊ। आप नारा हो तो भाप छेन, ये तो बड़ा प्रसादे रास्ता शुरू कहनो। इट इज वेरी सिंपल। एक तबीर सैनिक समस्त शत्रु पक्ष के बाधा दीते पारे। आशुन बाबू आशुन। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 3 doors नोन एज सिपोलिया is supposed to have been built during the regime of Maharana Sangram Singh II. Please follow me. वाह वाह वाह, कई सोहनी चीज बनाई। होना तो आबाशा साढ़े नाल आओ। चलो जी चलो। बड़ी बढ़िया चीज दिखाई तुहानू। दिखाओ सानू। ए वेखो, एक एक पर एक एक पत्थर का बनाया होया जी, वेखो हाथ ला के वेखो। वाह वाह जी, मन गए जी, मन गए, बढ़िया चीज है ना कारीगर। एक बार फिर से सोच ले राजू, वही शहर जो एक दिन तेरे नाम पर झुका हुआ था, आज कहीं तेरी हंसी ना उड़ाए। वही सड़कें जिनका तू राजा बन के घूमता था, कहीं आज तुझे चोर ना समझे। माँ, मामा, रोजी, यार दोस्त, कौन नहीं जिसे तूने अपने दिलों में रुलाया नहीं, तड़पाया नहीं, और फिर आज तू जेल से छूटा है। जेल सिवाय बदनामी के शहर में और कुछ नहीं। छोड़ दे इस नगर को, बसा सकता है तो कहीं और जाके बसा ले अपनी दुनिया। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। पलछिन
सपना बनी वो राते भूल गए वो तू भी भूला दे प्यार की वो मुलाकाते प्यार की वो मुलाकाते सब दूर अंधेरा सब दूर अंधेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा देखे मैल बिछाए ना कोई दर्द से तेरे कोई ना तड़पा आँख किसी की ना रोई आँख किसी की ना रोई कहे किसको तू मेरा कहे किसको तू मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ कौन है तेरा ओ, ओ, मुसाफिर है फानी पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी है सबकी जानी हाथ किसी के ना आई हाथ किसी के ना आई कुछ तेरा ना मेरा कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा जी की जमाने के बाद इस मंदिर के भाग जागे हैं इस गांव का क्या नाम है गांव का नाम रामपुरी है और मेरा भोला जी आप कहां से पधारे हैं और यहां से किधर को सुधारेंगे आना जाना हमेशा अपने हाथ में थोड़ा ही रहता है दोस्त इंसान सोचता है मैं उधर चलूं किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है सोचता है इधर चलूं नाक पकड़ कर उधर घसीट लेती है आपके वचन पत्थर की लकीर है तंग आकर एक दिन मैंने किस्मत के पास बुलाया और पूछा कि बता तू चाहती क्या है अच्छा कहने लगी मन मानी छोड़ो मेरी उंगली पकड़ के चलो ठीक है मैंने कहा तथास्तु तो देख लो भैया आज यहाँ कल वहाँ परसों कहा सत्य वचन किनारे पर खड़ा खड़ा मैं यही सोच रहा था कि नदी में कूदकर जिंदगी का खात्मा कर दूं कि अचानक आप पर नजर पड़ी और कान में आवाज आई कि हो न हो भोला मालिक ने तेरी आह को सुनकर इस महात्मा को यहाँ भेजा है मेरे पास तो देने को इस वक्त एक फूटी कौड़ी भी नहीं दोस्त हाँ ये चद्दर अगर तुम्हारे किसी काम आ सके तो बड़ी खुशी से ले जा सकते हो आपका मन उदार है लेकिन मेरी चिंता कुछ और तरह की है बड़ी मुसीबत में हूँ गरीब परवर मुसीबत और जिंदगी क्या कहते हैं चिता तक का साथ रहता है सत्य वचन
लेकिन सारा कसूर मेरे बाप का है। जी हाँ जी हाँ, मेरे बाप ने 3 शादियां की, एक से तो मैं हुआ, दूसरी से एक नीम पागल लड़का और तीसरी से एक लड़की। लड़की क्या मुसीबत की जड़ समझिए। खैर कुछ भी हो बहन फिर भी बहन, भगवान जानता है मैंने किस किस तरह उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन इसका बदलाव कैसे दे रही? शादी करने से इनकार करती है। देखिए ना कितना अच्छा वर ढूंढा था, लेकिन जिस दिन बात पक्की करके आया सोची तो उसने क्या किया, घर से भाग गई। भाग गई? आपसे क्या छुपा है, 4 दिन तक भूखा प्यासा उसे ढूंढता रहा, मिली भी तो 20 कोस दूर एक मेले में, और अब एक कमरे में बंद रहती है, न खाती है न पीती है न बोलती है, रोती है रोती है बस रोती है। मैं परेशान, जोरू परेशान, सारा गांव परेशान। अगर वो मर गई तो कहिए इसका पाप किसके मत्थे लगेगा। अब भला मैं क्या कर सकता हूँ दोस्त। महात्माओं के उपदेश में बड़ा बल होता है स्वामी। आप अगर एक बार उसे, अच्छा उसे यहाँ ले आओ, शायद ये स्वामीपन काम कर जाए। जय हो जय हो। स्वामी जी आपके लिए कुछ फल लाया हूँ। आती नहीं थी, मैंने कहा एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, सारी मुरादें पूरी कर देंगे, दर्शन के लालच से आई है। एक जमाना था भोला कि मेरा इंसानियत पर से विश्वास उठ गया था, दिल रोया करता था, सारा जहान दुश्मन से लगता था, मगर कोई घटा ऐसी नहीं जो बिखर ना जाए, कोई गम ऐसा नहीं जिसका इलाज ना हो। बेटी का क्या नाम है? जी माया। प्रभु की माया? ये धरती, ये आकाश, ये हवा, वो पहाड़, ये मंदिर, मैं, तुम, भोला, सभी माया के खेल है ना? जी होंगे। पर सच्ची बात तो यह है माया कि जो प्यार एक पति से मिल सकता है वो 100 सौतेली भाई या 500 सौतेली भाभियां भी नहीं दे सकती। झूठ कहा मैंने? जी नहीं। तो ये ले, प्रसाद समझ के घर जा, भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे। हरिओम 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 हरिओम। स्वामी जी आपके लिए तुच्छ उपहार, ग्रहण कर लीजिए। ये किस खुशी में भाई? अंतर जाने सब कुछ जानकर भी उपहास करते हैं, ब्याह की तिथि भी पक्की करके आया हूं। हाँ? माया का ब्याह? हाँ। मान गई वो? आओ 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 आओ। स्वामी जी अरे तू क्यों पीछे रह गई है, खुद ही आके कह दे स्वामी जी से कि शादी हो जाने तक यहीं रुक जा। इसमें कोई शक नहीं कि ये कोई महान आत्मा है जो इस गांव का उद्धार करने यहाँ आई। क्या मूर्खों की इसी बात करते हो, महान आत्माएं कोई गाजर मूली है जो हर खेत में उगाएगी? इन गवारों की अकल को तो साफ सुन गया है, अजी जो हम कहते हैं वो सुनो, किसी भी आयरे गहरे को स्वामी मान लेना महापाप है। महात्माओं के तो लक्षण होते हैं लक्षण, जिन्हें केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया हो। भैया भैया स्वामी जी, भैया स्वामी जी, स्वामी जी धन्यभाग धन्यभाग, मेरे धन्यभाग, इस गाँव के धन्यभाग। फिर वही बात बोला, अरे भाई कोई इनके पाँव नहीं छुए, इन्हें अच्छा नहीं। ये सब क्या आडंबर, मेरे बारे में क्या क्या झूठ फैला दिया है तुमने? मैंने कुछ देखा भगवान, मैंने तो अपना मुंह अस्तबल की कवाड़ की तरह बन रखा है, लेकिन आप ही बताइए जब सूर्य निकलता है तो कोई इसके प्रकाश को छुपा सकता है? अरे स्वामी जी के लिए आसन खाली करो। अरे तू खड़ा खड़ा गया, मक्खी मार रहा है, पंखा कर पंखा कर। अरे कोई है? देखो सुनती हो, जरा जरा उसको लड़की को भेज दो, आशीर्वाद ले ले। अरे आप लोग क्यों आगे आगे बढ़े आ रहे हैं, हैं? सबरे से काम लो भाई, सबरे से काम लो। तुमने सुना होगा कि मार मार के हकीम बनाए जाते हैं, कभी कभी सुना है कि मार मार के स्वामी भी बनाए जाते हैं। स्कूल जाते हो? स्कूल गाँव में नहीं है। आओ कमंडल,
आओ जंगल की राह लो शास्त्री। क्या करते हो पंडित, आओ मेरे साथ। हमें भी जाने दो, दो। जरा हम दो अज्ञानियों को भी तो ये तीर्थ यात्रा कर लेने दो। जय हो स्वामी। जय हो। क्या शुभ नाम बताया था आपने इनका? नाम जानकर क्या कीजिएगा पंडित जी, सुना नहीं आपने? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो में। महात्मन, पूछने तो हम आपका ज्ञान ही आए हैं, परंतु जरा विराजिए भी तो। आप जैसे महानुभाव खड़े हो तो ये नाचीज कैसे विराजने की जरूरत कर सकता है? शिक्षा तो अच्छी पाई है। आप मुझे क्या कहे? मैं आते ही दूसरी खाट बिछवाई देता हूँ। ये स्वामी जी के आसन है। मूल मत मनो भोला, मान का पात्र कौन होना चाहिए कौन नहीं पहले ये तो सीख लो। स्वामी पूर्ण मिदा है, पूर्ण मिदम, पूर्णात पूर्ण मुदुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमेवाये, पूर्णमेवा विशिष्यते। जरा इस श्लोक का अर्थ तो करके बतलाओ। क्यों नहीं समझे? अरे समझेगा कैसे, संस्कृत आती हो तब ना। क्या बात है। Don't laugh like two big fools, you're a couple of crackpots, and for generations you've been fooling these innocent people, and it's about time you put a stop to this. नहीं समझे पंडित जी? आप शास्त्री जी नहीं कैसे समझे, अंग्रेजी आती हो तब ना। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। स्वामी जी की जय। नमस्ते माता जी। ओह पधारिए पधारिए विस्नलनी, आपने आज यहाँ कैसे कृपा की? आज राजू की रिहाई का दिन है, मेरा ख्याल है उनकी माताजी भी इसीलिए आई हैं। नमस्ते माताजी। नमस्ते। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप दोनों को मालूम न हो कि मिस्टर राजू के कैद के 6 महीने कम कर दिए गए थे? उनको तो छूटे हुए अरसा हो गया। अरे हाँ, आप तो लंदन गई हुई थी, लेकिन आपसे कैसे नहीं मिले अभी तक? वो मैं तो गाँव से आज ही लौटी। नमस्ते। नमस्ते। कहिए यूरोप का टूर कामयाब रहा? अखबारों में तो बहुत चर्चे होते रहे, कब लौटी? आइए नंदक, एक कप चाय पीकर जाइए। मुझे इजाजत दीजिए। माताजी, माताजी, मैं आपको पैदल नहीं जाने दूंगी। हजार रोजी छोड़ दे मुझे। अगर आप मेरा कहा नहीं मानेंगी तो मैं इन लोगों के सामने आपके पैर पकड़ लूंगी। क्या तमाशा कर रही है? फिर चलिए ना, चलिए चलिए। कितनी बार मैंने चाहा कि आपके पास आऊं और अपने दुखड़े रो आपको यकीन दिलाने की कोशिश करूं कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना आप समझती हैं। मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। मैं ये कैसे भूल सकती हूं कि संसार में मेरा सिर्फ एक ही एक बेटा था, मगर तेरा साया पट है ना वो मेरा रहा, न दीन का न दुनिया का। मेरी समझ में ये कभी नहीं आया, तुझे अपने पति के साथ निभाना नहीं था तो तूने शादी क्यों की? शादी क्यों की? जानना चाहती है आप तो सुनिए। मेरी माँ देवदासी थी, उसके जीवन का एक ही मकसद था कि वो किसी न किसी तरह अपनी बेटी को उस माहौल से दूर रखे। स्कूल गई या कॉलेज, रही हमेशा हॉस्टल में, फिर भी नाच गाने से दूर ना रह सकी। चली जा मेरे घर से। जाती हूँ लक्ष्मी बाई, लेकिन इतना याद रख, गंदी नाली से निकला हुआ पानी कभी गंगा जल नहीं बन सकता। चली जा। क्या बात है? कुछ संदेशा लाई थी तेरे लिए, सेठ बनवारी लाल तेरे लिए 2000 रुपया मना देने को तैयार, अब तेरी माँ का दिमाग खराब है। ये देख। लेकिन माँ मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, स्टेज पर नाच कर नाम कमाना चाहती हूँ। जिसके पास न बाप का नाम हो न पति का, और जिसकी माँ का नाम बदनाम हो, वो लड़की किस नाम से नाम कमा सकती है?
बेटी एक बार इस माहौल से निकल जा, किसी इज्जतदार का हाथ थाम ले, फिर कुछ भी करेगी कोई उंगली ना उठा सकेगा। मुझे आपकी बेटी पसंद है। तो मुंह मिठाई कीजिए ना, आप भी लीजिए ना। मिस्टर एंड मिसेज मार्को, मैं आपके इस इकरारनामे को खुशी से स्वीकार करते हुए आप दोनों की शादी कानूनी तौर से रजिस्टर करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर मार्को। थैंक यू मार्को साहब, मुबारक हो। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी मां के घर में कुछ फर्क है, क्या तुम्हें यह भी समझाना पड़ेगा? मां, मां, बेटी, रोजी, क्या बात है बेटी? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं मां, बस इतना समझ लो इस घर में कभी बच्चे नहीं हो सकते। रूसी, सुनिए जनाब, यहीं के रहने वाले मालूम होते हैं आप? जी। बता सकते हैं राजू गाइड का पता कहाँ मिल सकता है? क्यों नहीं, किसी भी बच्चे से, किसी पैसेंजर से, किसी कुली से, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेशक रेल के इंजन से पूछ लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब, आपसे। और आपकी तारीफ, तुम्हें इससे मतलब? किसी भले आदमी से पूछ रहे हो तो जरा अच्छी तरह से पूछो। तुमसे कहा गया बीच में टपकने को? मारो गोली गाइड को, मैं गाइड के बिना भी काम चला लूंगा। तुम चला लोगे, मेरा क्या होगा? मालूम था साथ चल रही हो मुसीबत बन जाओगी। मालूम था तो लाई क्यों साथ? भूल की, एक और भूल की, इस कमबख्त गाइड को चिट्ठी लिखा भी बेकार हुआ। आप मिस्टर मार्को हैं? आपको इससे मतलब? तुम्हें कैसे मालूम हुआ मेरा नाम? जी गुस्ताखी माफो, बंदा राजू गाइड है। ओह आई सी, तुम्हें तो देखते ही मुझे पहचान लेना चाहिए था। खैर ये बताओ, होटल का इंतजाम हुआ? जी। और टैक्सी का? टैक्सी का भी हो गया। कुली, बेरा जी, ये क्या है जी? शट अप, बिलीव मी, अगर दोबारा बर्तन टूटा तो तुम्हारी तनख्वाह में से काट दूंगा। चलो चलो चलो, भागो भागो भागो। गफूर, राजू, किसने प्लीज किसने? मैंने तुम्हें खत में भी लिखा था कि मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ उन पुरानी गुफाओं की खोज करना है जो। गुड आफ्टरनून सर। वो सामने पहाड़ी पर डाक बंगला देखते हैं? हाँ। उसके पीछे जंगल में छुपी हुई गुफाएं हैं जिनकी आपको तलाश है। गुड आफ्टरनून राजू। हाउ इंटरेस्टिंग। ठीक है, जल्दी से मुंह हाथ धोकर चलते हैं। अभी नामुमकिन, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी हजूर, लौटेंगे कब? वहां जाने के लिए तो सुबह चलना चाहिए। तो इसका मतलब आज का दिन बेकार गया? हमारे साहब, दिन बेकार चला जाए तो हम कहे गाइड हुए? यहाँ देखने लायक ऐसी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं कि। फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं, मैं तो सिर्फ गुफाएं देखने आया हूँ। और आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ और मुझे उन गुफाओं के अलावा भी दिलचस्पी हो सकती है। मैडम देखो, यहाँ पर कोई अच्छी सी लाइब्रेरी है, यहाँ है तो मुझे वहाँ उतार देना और मेम साहब को शहर दिखा लाना। मेम साहब अकेली नहीं जाएंगे। अकेली सैर करने का शौक होता तो मैं तुम्हारे साथ ना आती। लेकिन रोजी, मुझे लाइब्रेरी में। आप नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ओ, आदमी शादी क्यों करता है समझ में नहीं आया। गुड आफ्टरनून गुफूर। गुड आफ्टर बेरा। इसका मतलब यही हुआ कि आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं?
हाँ हाँ यही समझ लो, नहीं परवाह नहीं परवाह नहीं परवाह। ओफो, मैं जा रही हूँ। टैक्सी। जी हाजिर हुआ मैम साहब। मैम साहब को शहर दिखाओ। मार्को साहब नहीं आएंगे? लिख के दूंगी, नहीं आएंगे। गफूर, मैम साहब को शहर दिखाओ। जी हाँ, पहले कहाँ चलूं मैम साहब? जहन्नुम में चलो, लेकिन चलो तो। अगर जहन्नुम ही जाना होता है तो लोग उदयपुर क्यों आते हैं गफूर? इसे तो हम जन्नत समझते हैं ना। तेरा कहना ठीक है राजू दोस्त, मगर अभी चुप बैठ। ये हमारे शहर की लाइब्रेरी है। गाड़ी रोकिए जब आपसे कहा जाए। समझ गया गफूर? हाँ मैं समझ गया राजू दोस्त, मगर अभी तो चुप बैठ। लेकिन मैं नहीं समझा। देखिए अगर आप इस कदर रूखी टूरिस्ट हैं कि आपके गाइड का जबान तक खोलना आपको खलता है, तो ये टैक्सी है, ये गफूर है और ये बंदा चलता है। सुनिए, यहाँ कोई सपेरों की बस्ती है जहाँ कोई सपेरन नाग नृत्य करती हो? We'll be right back.
पहुंची तो अच्छा है। जी नहीं पहुंचेगी। गफूर, मेरे साथ कहीं नहीं आते तो मैं आपके साथ क्यों आऊं? हाँ तो बताओ कौन कह रहा है साथ आओ। तो फिर जाइए ना, छोड़िए मुझे अपने हाल। ठीक है मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। चलो ये किधर? गुफा देखने। और किधर? अकेले जाएंगे आप? क्यों, वहाँ ऐसा रिवाज है कि पत्नी के बिना आदमी को अंदर नहीं जाने दिया जाता? जी नहीं, मेरा मतलब है कि लौटने में ज्यादा रात भी हो सकती है और अकेली में से तो कोई नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या था ये? जोसेफ! यस सर! अरे क्या हुआ? जंगल बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, जानवर अंदर चले आते हैं। अच्छा ये कमरा खोल दो और खाने वाने का इंतजाम कर दो। अभी कर देता हूँ। राजू ये 200 रुपए रखो और मुझे हिसाब देते रहना। आप हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद चलते हैं गुफा देखने। अबे वो शिकारी की औलाद, अबे चूहा फेंक देगा तो नाश्ता किस चीज का करेगा? शर्त लगाते हो राजू? जी मैं कहता हूँ यहीं कहीं आसपास कम से कम एक गुफा और होनी चाहिए। तो खोज लीजिए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। नजर आएगी जब मैं खोज लूंगा, और मैं खोज लूंगा अगर मेरी नजर में दम है तो। ये जमीन ही क्यों ना खोजनी पड़े। राजू तुम कुछ मजदूरों का इंतजाम कर दो और डाक बंगले में मेरे रहने का भी। तुम शहर चले जाओ फौरन, कुछ चीजें मैं लेकर देता हूँ, वहां से ले आओ। मेरा ख्याल है कि एक बार आप खुद ही शहर के चक्कर लगाकर अगर। ओ नो, अब ये कीमती वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके मेम साहब वहां अकेले हैं। लेट गो टू हेल। ओ यस, ये तो मैं भूल ही गया, क्या मुसीबत है। शादी तो नहीं की तुमने? लकी मैन, सेंसिबल मैन। देखो ना, यहां मेरे सामने जिंदगी का सबसे अहम काम पड़ा है और वहां व्हाट अ न्यूसेंस। मिसेस मार्को, रोजी मैम साहब दरवाजा खोलिए। देखिए मैं राजू गाइड हूँ, राजू गाइड। मिस्टर मार्को से संदेशा लाया हूँ आपके लिए। मैं कहता हूँ राजू कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग सुबह से यही काम करते करते थक गए हैं, बिलीव मी। तुम्हारे पास ऐसी भी तो चाबी होती है जो हर दरवाजे पे लग जाती है? वैसे तो मास्टर की मेरी जेब में है, लेकिन इस तरह किसी क्लाइंट का दरवाजा खोलना फायदा क्या? लो तो चाबी, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लाओ। तुम्हारी मर्जी, ये लो। या ओ गॉड, इज शी डेड और फेंटेड? मर गए, क्या होगा? देखा राजू मैं क्या कहता था, जहर है ना। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे जोसेफ ये सब क्या? डिनर। वंडरफुल, यू आर अ जीनियस जोसेफ। हैं? जंगल में मंगल कर दिया है। ड्रिंक सर? सर्टनली सर्टनली, वंडरफुल। चार चार घंटे के बाद कॉफी के साथ गोली खिलाते रहना, और किसी भी हालत में मरीज को अकेला मत छोड़िए। नहीं, मैं अभी उनके पति को ले आता हूँ। पति? अरे यार राजू कहीं तरह भेजा तो नहीं फिर गया है? अब यहाँ आने जाने में 10 घंटे लगते हैं, और फिर मेरी गाड़ी गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी है कि हंटर मार मार के चलाते जाओ, और फिर जंगल में ना सड़क है ना रोशनी, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे? वन मोमेंट मिस्टर गफूर, देख राजू मैं इससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बिलीव मी, इतना काफी है कि मेरा हार्ट फेल नहीं हुआ। तू जान तेरा काम, या तो मरीज को यहाँ से ले जा, या उसकी देखभाल का जिम्मा अपने ऊपर ले ले। आई हैड 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 एनफ। एक्सक्यूज मी मिस्टर गफूर। कुछ चाहिए आपको? अरे भागो,
जग गए हैं आप? कैसी तबीयत? तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी नौकरी, आपकी सेवा। वो कहां है? वो वही। रात को भी नहीं आए? काम कुछ ज्यादा निकला है तो। काम? ऐसा कौन सा काम निकला है जो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है? जी लेकिन उन्हें तो मालूम भी नहीं कि आप। मालूम नहीं, समझा होगा, ये भी कोई वैसी गीदर भक्की है कि मैं जो कुछ कहती हूँ कभी करके नहीं दिखा सकती। मतलब ये कि आपने उनसे कहा था कि आप। लेकिन उन्हें क्या, मर जाती तो कहते कि बला चली, मरी जाती तो अच्छा था। अरे ये आपने तो पूरी बात सुनी नहीं, पूछा तो होता कि मैं वापस क्यों आया। जैसे वहां पहुंचा कि मार्को साहब को जोश आ गया, कहने लगे राजू मैं भी क्या गधा हूं कि सुबह सवेरे रोजी सुलझ बैठा कि इतना अफसोस है कि इस वक्त मेरे पास नहीं। क्या जंगल है, क्या गुफाएं, क्या डाक बंगला है, और ये कंबक जोसेफ कसम खुदा की क्या खूब खाना बनाता है। बस कमी है तो सिर्फ एक कमी है, अगर रोजी को ले आओ तो काम का काम हो जाएगा, पिकनिक की पिकनिक। मैं दिल है, तन्हाई है, वो भी घर होते अच्छा होता। यकीन मानिए मैंने सिर्फ शेर जोड़ा है, बाकी सब अल्फाज उन्हीं के। आप समझती मैं झूठ बोल रहा हूं? और तुम समझते हो तुम सच बोल रहे हो? ये दवा है, मैं चाय भिजवाता हूं। जरूरत नहीं। जरूरत है, चाय मैं खुद ही लेके आता हूं। अब ठीक है, दवा जारी रहे। दवा आप ही खिला दें तो बेहतर है, क्योंकि सुबह सुबह इनकी चाय का प्याला कपड़े धोने के काम आया। मैं अपने आप खा लूंगी। डॉक्टर साहब सफर करने में हर्ज तो नहीं, क्योंकि अभी ये मोटर में बैठ के अपने पतिदेव के पास जाएंगे। कोई हर्ज नहीं, बल्कि अच्छा ही है। तुमसे किसने कहा मैं जाऊंगी? कहा तो नहीं, लेकिन बेचारे मार्को साहब का ख्याल आता है। कल वो नहीं आए, आपने गोलियां खा ली, आज आप ना गए कहीं वो ना गोलियां खा लें। मेरे पतिदेव मुझे इस तरह हंसा सकते तो मैं कभी उनकी बात नहीं टाल सकती। और आप मेरी बात इसलिए टाल रही हैं कि मैं आपको हंसा रहा हूं? शादी हुई तुम्हारी? जी नहीं, अभी तक तो भगवान ने बचा के रखा है। क्यों? सुखी रहेगी तुम्हारे साथ। ये भी आपका ख्याल है, हम तो साहब बड़े सख्त आदमी हैं, रोटियां पकवाएंगे, सेवा करवाएंगे, पैर दबवाएंगे, और अगर ऐसी वैसी कोई हरकत करेगी जैसी कि कल आपने की तो दो चार झापड़ भी रसीद कर देंगे। साथ में प्यार भी करोगी कि नहीं? प्यार तो करना ही पड़ेगा। तो फिर रोटियां पकाने में, पैर दबाने में, झांपड़ खाने में भी उसका जीवन सफल हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी राजू, लेकिन तुम वादा करते जाओ कि जब तक वो नहीं पूछेंगे मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगे। मैं हैरान हूं कि ये गुफाएं आज तक दुनिया के निगाह से कैसे छुपी रह गई। अजंता, एलोरा और खजरहों की कदर करने वाला जमाना इस खजाने को धूल में कैसे छिपा रहने दे सकता है। लेकिन तुम जानते हो राजू, आज तक कोई पार्क यहां तक क्यों नहीं आया? क्योंकि ये काम मेरी किस्मत में लिखा था। मैं रह गया था इसकी खोज करने के लिए, इसके माहौल को समझने के लिए, इसको नाम और मान देने के लिए जो इसका होना चाहिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो राजू, किताब में तुम्हारा भी नाम आएगा और जरूर आएगा, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो मुझे यहां तक लाए। आप कुछ भूल नहीं रहे हैं क्या? यही कि मसलन वक्त क्या हो रहा है? ओ, मैं समझा कि इस गुफा के बारे में कुछ भूल रहा हूं। देखिए साहब, शहर में आपकी वो, शहर से आपका सामान ले आया हूं। ये मूर्ति जरूर उसी जमाने की बनाई गई होगी। मार्को साहब, शहर से आपका सामान आ गया है। ओ, अच्छा हुआ। ए, देखो राजू, इस वक्त मुझे परेशान मत करो, तुम चलो और खाना लगवाओ, मैं अभी आता हूं तुम्हारे पीछे पीछे। आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना है? मैंने कह दिया ना, तुम चलो मैं अभी आता हूं, मुझे कुछ जरूरी नोट लिखने हैं। मुझे जो कुछ कहना है बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तुम पीछा नहीं छोड़ोगे? कहो क्या कहना चाहते हो, फुट यहां से। आपको कुछ नहीं पूछना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अजीब बेवकूफ आदमी। राजू, क्या बात है? क्या आपको मुझसे नहीं पूछना है कि आपकी बीवी का क्या हाल है? ओह,
रोजी? अरे हाँ, क्या हुआ? रोजी यहाँ आई है या चली गई? रोजी ने जहर खा लिया है। सुनो, मेरी बात का उन्हें यकीन नहीं आएगा। तुम्हें कह देना कि रात को इस टैक्सी की वजह से मैं नहीं आ सका। रोजी, 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 रोजी। अरे तुम तो अच्छी भली यहां खड़ी हो। तुम्हें खुशी नहीं हुई? लेकिन राजू ने तो मुझे कुछ और ही। देखो रोजी, अगर तुम ठीक हो और अच्छी तरह चल फिर सकती हो तो मुझे यहां बुलाने के बजाय आसानी से तुम खुद वहां आ सकती थी। ना मैंने यहां किसी को बुलाया है, ना मैं खुद वहां आना चाहती थी। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं कि मुझे सांस लेने को भी फुर्सत नहीं। यहां आने जाने में जो वक्त बर्बाद हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? अपनी बीमार पत्नी को देखने में अगर तुम्हारा वक्त बर्बाद होता है तो तुम्हारे साथ रहने में जो उसका जीवन बर्बाद हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? पहले तुम बताओ कि जहर खाने का क्या मतलब था? इस नए शहर में मुझे बदनाम करने का क्या मतलब था? वो कौन सी चीज है जो मेरा पैसा खरीद सकता और मैंने तुम्हें नहीं दी? फिर भी तुम दिखाना चाहती हो कि मैं तुम पर इतना जुल्म करता हूं कि तुम जीना नहीं चाहती। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने जो जहर खाया महज मुझे तंग करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि मैं तुम पर जुल्म करता हूं, किसी किस्म का मुझसे बदला लेने के लिए। वरना तुमने दो गोलियां और खाई होती ताकि तुम्हें सचमुच हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा मिल जाता, लेकिन तुम ये नहीं चाहती थी। हाँ हाँ, लगा लो इल्जाम कि मैं मरना नहीं चाहती। साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? फिर राजू हो गई। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरा पीछा मत करो। कहा ना जाओ, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। कहा ना नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलिए। वो एक छोटा सा जजीरा देखती हैं, वहां एक कुत्ते की समाधि है। कुत्ते की? राजमहल का कुत्ता था, महाराणा का दुलारा। मुझसे तो कुत्ते ही अच्छा। एक बात कहूं, जो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है उसके नसीब भी उसे कोसते लगते हैं। चलिए मार्को साहब, आपका इंतजार करते हैं। नहीं कह सकता गुफाओं में कितने दिन लग जाएं। घर जाना चाहो तो चली जाना, लिफाफे में 1000 रुपया रखा है। राजू, यहाँ कहीं घुंघरू मिलेंगे? घुंघरू क्यों नहीं। कितने पैसे? 10 रुपए हुए बाबूजी। चलो, बाकी पैसे तो ले लें। पैसे मेरे हैं कि तुम्हारे? लेकिन मोल तो सिर्फ 10 रुपए है। आज मेरे लिए अनमोल है। चलो ना, चलो। अरे बाबूजी। क्या देखता है? Thank you.
राजू ये नमूना कहां से लाए? रोजी भगवान के लिए घूंघरू उतार के चलो। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम्हें अगर शर्म आती हो तो सड़क की उस तरफ चलो। अच्छा तुम भी क्या याद करोगे? अब मदद तो करो। राजू गाइड नहीं क्या? वही 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 यहाँ क्या कर रहे हैं छोकरे के साथ? लगता है अपना काम धंधा छोड़ दिया भैया इसने। कमाल किया। देखो 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 ए गाइड, हमें आप सैर कराओ, कोई ऐसी जगह दिखाओ कि दिल फड़क उठे। चित्तौड़ कितनी दूर है? बहुत दूर और गाड़ी नहीं है। वो गाइड क्या हुआ, गाड़ी के बगैर जिसकी गाड़ी रुक जाए? मेरी तौबा, मुझसे कसम ले लीजिए मैं कभी अपने आप को गाइड नहीं कहूंगा। आप होटल वापस चलिए वरना लोग समझेंगे कि मैं किसी शराबन के साथ घूम रहा हूँ। अरे तू आदमी है क्या, मन का ऊपर चढ़ा है ये मोटर तो बात क्या गए पंपू को ओ भाई साहब। अरे कुछ बोलोगे भी, कैसे गाइड हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत जो जिंदगी की हर खुशी हर उमंग हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली नादान बचपन की शरारत से भरपूर। जानते हो क्यों? क्यों? जीने की तमन्ना।
कमाल की डांसर है रोजी। इतना हुनर है तो आपने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? क्या बताऊं? मार्को का ख्याल है, नाच गाना बाजारी औरतों का पेशा है। ऐसे नेक ख्यालों वाले आदमी कहाँ ऐसी गुनी डांसर से मेल कैसे हो गया? दूसरा रास्ता क्या था? माँ खानदानी देवता सी, बेटी को उस माहौल से निकालती तो कैसे? किस्मत देखो, सामने आया भी तुम्हारे को। मुझे अपनाया, मेहरबानी की, घर की बहू बनाया, एहसान किया, इतना बड़ा मकान, इतने नौकर, इतना पैसा, इतना नाम, इतना आराम और इतना प्यार। हाँ, इतना प्यार। जमाना वो नहीं रहा रोजी जब औरत घर की दासी समझी जाती थी, रोती थी, तड़पती थी, सहती थी, लेकिन हाय तक न करती थी। जमाना वो भी नहीं रहा कि जब कोई छोटा इसलिए माना जाता था कि छोटी जाति का है, छोटे घराने में पैदा हुआ है। मेरा बस चलता तो मैं मार्को साहब को साबित करके दिखा देता कि तुम्हारी जाति कितनी ऊंची है। मेरी कलाकार भान नहीं होते हैं, आज इज्जत वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। उदय शंकर ने दुनिया में नाम कैसे कमाया? अपने नाच से, और शांता राव और बाल सरस्वती और बड़े बड़े नाम लेते हो राजू कि मेरी नसें फड़कने लगती है। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, वरना कौन जानता कि शायद तुम्हारा नाम सुनकर भी लोगों की नसें फड़कने लगती। नहीं नहीं, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ। तकदीर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अगर हिम्मत है, हुनर है, लगन है, शौक है, तो जो कुछ नामुमकिन है मेरे सामने आए। क्यों ना मार्को से एक बार फिर बात करो। रोजी, मेरा ख्याल है इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं। क्यों? ज्यादा सवाल नहीं पूछा करते, चलो कल आएंगे। राजू, मैं बच्ची नहीं हूँ। साहब अंदर हैं? जी नहीं, जाओ। जी नहीं, जी नहीं। राजू, ये होता है खच्चरों और बैलगाड़ियों के लायक बनी हुई सड़क पर मोटर चलाने से। सड़क सुसरी की तो शान बढ़ती है, मगर गाड़ी को यूं नीचे देखना पड़ता है। अब मैं जानता हूं ये कितनी जिद्दी है। अगर आधी रात को इसने चलने से इनकार कर दिया तो मैं मेम साहब के सामने इसको गाली भी नहीं दे सकता। कम वक्त कहीं की ओ पापरे। अरे रे रे, अरे मेरे यार, आधी आधी चादर लेना। अरे भाई, बड़ी सर्दी है बाबा, मुझे भी तोड़ने दे। राजू हिट, जरा उठ के देखना। मैं इसकी जगह होता तो उस उल्लू के पट्टे के मुंह पे तीन बार थूकता और फिर कहता तिलाक तिलाक तिलाक। गफूर, है क्या बात है? तू उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखता हूं। ओ
रास्ता नहीं है? ये पकड़ जरा और हाथ दे अपना। अच्छा संभाल कर रखना, पांव संभाल कर रखना, देख देख कांटे वहां। अगर यही तुम्हारा हौसला है तो हर औरत को तुम्हारी जिंदगी पर शर्म आएगी। आदमी घर नहीं बसाता तो क्या घर बसाने का और कोई तरीका नहीं? आदमी सुख नहीं देता तो क्या जमाने में कहीं और सुख नहीं? मारते भी तो तुमसे दुखी है लेकिन वो दीवारों से जाके अपना सर नहीं टकराता। वो कैसे गुफा में जाकर पत्थर के बुतों से जी बहला लेता है? मैं इसलिए कि वो आदमी है और तुम अपने आप को तड़पाती रहती हो इसलिए कि तुम औरत हो। गलत है रोजी, गलत है। तुम्हारी आज ये हालत इसलिए है कि तुमने इस हालत से बगावत करना नहीं सीखा। या तो कसम खा लो कि जो पैर ठोकरे मारते हैं मरते दम तक उसके तलवे चाटती रहोगी, और अगर नहीं तो उठने में, संभलने में, अपना हाथ जिताने में कोई पाप नहीं। पाप है पड़े रहने में, जुर्म सहने में। जिंदगी से हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। कोई किसी का गुलाम नहीं, कोई मोहताज नहीं किसी का। मजबूरी नाम एक वहम का है। सोए रहे तो हर कोई मजबूर है और जाग जाए तो पैरों में ताकत अपने आप आ जाती है। और इस ताकत में तुम्हारे अंदर भी देखा है जिसको तुमने तुमने ये बांधे थे। इसके बाद देखा तुम अपने आप को मजबूर समझती हो, कमजोर समझती हो तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। बस यही अफसोस रहेगा कि क्यों मैं बार बार तुम्हें मरने से बचाता रहा। इसलिए कि कई बुजदिल ऐसे भी होते हैं जिन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो मुझे शर्म आएगी कि मेरा तुमसे कोई वास्ता था। मामले में जितना भी वाद विवाद होना था हो चुका है और हम एक फैसले पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जरूरी तो नहीं मार्को कि तुम्हारा हर फैसला मेरा भी फैसला हो। फैसला तुम्हारा था कि तुम अपनी मां का पेशा छोड़कर मेरे नाम की इज्जत अपनाना चाहती हो। तुम्हारा नाम अब मुझे अपनी मां के पेशे में तुम्हारे नाम से ज्यादा इज्जत नजर आने लगी है। घुंघरू, तबले और सारंगी के शोर में अगर तुम महफिल सजाना चाहती हो तो मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि यह मेरे घर में नहीं हो सकता। मार्को, कुछ तो फर्क है मुझ में और इन पत्थर की मूर्तियों में। यह मुझे परेशान नहीं करती। परेशान नहीं करती इसलिए कि पत्थर है और इसीलिए पत्थर है कि परेशान नहीं करती। मेरे दिल पे पत्थर रखा तुमने, एक बार इस पत्थर में दिल रख दो फिर देखो एक एक मूर्ति चिल्ला चिल्ला कर कहेगी मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ, मार्को मैं जीना चाहती हूँ। जी नहीं रही हो तुम? जी मार के जीना अगर जीना है तो जी रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जैसा तुम्हारा काम है मेरे पास क्या है? औरत के पास क्या होता है? उसका घर। घर पति से होता है, घर होता है बच्चों से। इसमें मेरा क्या दोष? अगर भगवान नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ मार्को, लेकिन मैं किस उम्मीद पर जी? दिन भर बैठे क्या सपने देखा करूँ, रात भर जाके क्या सोचा करूँ? बच्चों का सुख नहीं तो कुछ तो सुख आने दो मेरे जीवन में। सुख सुख सुख, सारा सुख अगर नाच गाने में ही रखा था तो छोड़ा क्यों माँ का घर? माँ का घर छोड़ा के पति के घर जाऊंगी? क्या मालूम था वहां न घर होगा न पति?
चाहती क्या? सारे काम काज छोड़कर तुम्हारे बालों में फूल सजाता रहूं। फूलों से नफरत है तो फिर शादी क्यों की? सर पर मुसीबत रखने का शौक था इसलिए शादी। शौक नहीं, जरूरत थी। एक हार्ड मास की पुत्री की जरूरत थी तुम्हारी हवस को। ये क्या गंदी बातें हैं? ये बातें तुम्हारी गंदी हरकतों की। मेरे प्यार को हवस कहती हो तुम? और तुम अपने हवस को प्यार कहते हो? तुम्हें पत्नी नहीं औरत चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। इसीलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना बिस्तर प्यारा है, क्योंकि वो तुम्हारी थकान मिटाने के बाद कोई मांग नहीं करता। तुम आदमी नहीं, वैश्य हो। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब? मेरी इजाजत के बिना तुम कोई ऐसा वैसा काम नहीं कर सकती। अच्छा रोजी, आखिर मेरा तुम पर कुछ अधिकार है? है? तुम कैसे भूल सकती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? अगर मैं ना होता तो क्या होती तुम? वही जो होने जा रही है। ये मैं नहीं होने दूंगा। कोई भी लफंगा बदमाश आवारा 58 रुपया बाजार में फेंक कर जब चाहे मेरी पत्नी का डांस देख सके और उसके बाद हंसता हुआ मेरे नाम पर कीचड़ उछाले, ये मैं नहीं देख सकता। नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें देखने पर कोई मजबूर नहीं करेगा। ये बताओ, इसे किसकी है? किसने भरे तुम्हारे कान? किसने भड़काया तुम्हें? ऐसी कौन सी नई बात हो गई जो मेरे दिए हुए आराम को छोड़कर तुम्हें गलियों के ठोकरे खाने से डर नहीं लगता? सोई थी, आंखें खुल गई। और कोई बात नहीं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, और कोई वजह है क्या? कोई दूसरा आदमी तो नहीं? हो भी सकता है। तुम्हारा मतलब तुम किसी और के साथ? मैं बेवफाई करूंगी मात्र, तू खुलेआम काम का बहाना करके कहीं दूर घने जंगल में छुप कर नहीं। तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो? तो मुझ पर शक कर रही हो, मुझे बदनाम कर रही हो। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर ये मत समझना कि तुम्हें बच्चन बनने का बहाना मिल गया है। और कुछ सुनना ही चाहती हो तो मेरे मुंह से भी सुनती जाओ। मैं एक दिन को भी नहीं भूला कि तुम्हारे रगों में खून कैसा है। मैंने तुमसे शादी करने का पाखंड किया तो पूरी तरह ये जानकर कि मैं तुम्हें अपनी जरूरत के लिए खरीद रहा हूँ। तुम जैसी औरतों को अगर ये धोखा है कि तुम किसी शरीफ आदमी की धर्म पत्नी बनने के लायक हो, तो तुम जैसी बेवकूफ और कोई नहीं। एक बात और सुनती जाओ, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है, नफरत है। तुम जाओगी तो तुम जैसी हजारों आएंगी। जाओ, निकल जाओ अभी यहां से। राजू, एक ठुकराई हुई उबला को सहारा दोगे? सामान अंदर ले आओ, आओ तुम्हें मां से मिलाता हूं। रख दो यहां। मां, देखो हमारे यहां एक मेहमान आया है, इनका नाम रोजी है। रोजी? नाम से धर्म का गलत अंदाजा ना लगा लेना, रोजी इनके प्यार का नाम है। तुम जरा चाय कॉफी बना दो, मैं मुंह हाथ धुलाता हूं, उसके बाद बाहर चलते हैं, बातें करूंगा। तुमने चिंगारी क्या दिखा दी? मैंने आशियां फूंक डाला। मैं कहीं की नहीं रही राजू, मेरा कोई नहीं रहा। पीछे देखती हूं तो सिर्फ राख, आसपास खंडर ही खंडर, आगे एक सुनसान लंबी राह जिसकी मंजिल का पता नहीं। खंडहरों में देखो रोजी, एक गाइड खड़ा है। राह को देखती हूं, रहबर को नहीं। सहारा मांगा था 4 दिन के लिए, जीवन का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहा था। ये बोझ यकीन मानो मेरे जीवन को हल्का कर देगा। राजू, मैं कलंकिनी। अगर तुम कलंकिनी तो ये कलंक सर आंखों पर। नहीं नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल तक सोचना पाप था लेकिन आज और बात है, कल तक कहना पाप था लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती,
कोई वादा नहीं कर सकती। मुझे उलझन में मत डालो राजू, मेरी परिचय तुम्हें कहीं बर्बाद न कर दे। ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो, तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, जो जहां भी ले जाए राहे हम संग हैं। अब मेरे मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे मेरे सुख अब तेरे, स्टेशन पे मिली थी। अकेली कैसे आई, क्यों आई? अकेली नहीं, इसका पति इसके साथ था। ब्याहता है? अभागन है माँ, जहाँ तन मन ही न मिले वहाँ ब्याह कैसा, तलाक होने में भी अब देर नहीं। तो ये उसे छोड़कर तेरे पास आ गई है? मेरे पास नहीं माँ, तुम्हारे पास। तुम निकालना चाहती हो तो भी जाके निकाल दो, बाद में मुझे दोष न देना। कैसी बातें करता है? सुन जाओ, मैं तो सिर्फ मोहल्ले वालों का सोच रही हूँ, वरना मेरा क्या है।
कोई बता लिया करो, ये खेले में ही मुजरे हो जाया करते हैं। घर में माँ बहन होगी वरना कुछ कहता। हाँ भैया माँ बहन तो है पर कोई वैसी ठुमक छम्मो नहीं है। गए काम से। राजू राजू नीचे आ, नीचे आ, मैं कहती हूँ आ नीचे। यही पता बाकी रह गया था। क्या बात? अरे यार संतरा कौन मांग रहा है? मैं राजू गाइड का पता पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि राजू गाइड अब यहाँ पर नहीं आता, वो एक नाश्ते वाले के साथ भाग गया है। राजू सर आज से तेरी छुट्टी। मगर आप इतने दिन नहीं आए। अरे जाता है, लात मार के भगाओ। नहीं जाता, जा। और तू मुझे निकालने वाले कौन होते हो? और ये दुकान तुम्हारी नहीं है। क्या कहा? बापू बापू के बच्चे सारा सामान कहा है और ये कैश बॉक्स खाली कैसे है? अबे बच्चे से क्या बोले, सब मुझसे बात कर। बेटा मेरी दुकान खा गया है। पहली बात तो यह है कि अब ये दुकान तेरी नहीं। मास्टर जी इसे समझाइए। राजू हर पैसेंजर की शिकायत है कि स्टेशन की दुकान पर कुछ नहीं मिलता। इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनवारी को दे दिया गया है। ये दुकान मेरे बाप की थी, अब मेरी है। देखता हूँ कौन माई का लाल मुझे यहाँ से निकालता। तो ये बात है। अबे इधर आओ, मैं तेरे को समझाता हूँ। काम करो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, राजू का लोग भी जल्दी चलो। राजू राजू ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं रोशनी, नहीं 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 राजू नहीं। ये रे भाई, ये ओ बहन, ये अपने खेत की सब्जियां हैं। इन करेलों में नमक लगा कर रख दो और फिर कड़वे तेल में तलो। मैं कहता हूँ बड़े लजीज बनेंगे। अच्छा अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे चाय बनाती हूँ। एक पेशी में बाहर गया था, लौटा तो तुम्हारा तार मिला। नमस्ते मामा जी। जीते रहो। माँ तुमने बताया नहीं कि तुमने मामा जी को तार दिया है? नहीं बताया। बहन ऐसी बातों में बुजुर्गों की राय जरूर ले लिया करो। बड़े किस्से सुनते हैं तुम्हारे। ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेगा। लो चाय पी लो। लो प्रैक्टिस जारी रखो। ये मेरा घर है, मुझे किसी का डर नहीं। नाचो नाचो, प्रैक्टिस करो। एक दो। अच्छा।
अच्छा तो आप इसमें मसरूफ हैं। हमारे खानदान में एक आदमी की कसर जो बंदरिया का नाश न चाहे। डमरू तो ले आओ, पत्थर रोजी बाकी का कल। क्योरी छोकरी, ये तेरे बाप का घर है, तेरे भाई का घर है, तेरे खामिन का घर है। अगर नहीं है तो फिर तू यहाँ क्यों? हम नाचने वालों को अपने घर में नहीं रखा करते। इधर आइए मामा जी। अरे आप क्या झूठे आंसू बहाती है? हम अकल की बात कर रहे हो समाज? मामा जी, अगली गाड़ी पकड़ और ले यहाँ से रवाना हो जा। टिकट हम तुझे खरीद देंगे। आप मेरे मामा नहीं होते तो मैं आपसे कहता कि आपको किसी लड़की से बात करने की तमीज नहीं। यहाँ तक पहुँच गई है। मेरे घर में मेरे मेहमान को बुरा भला कहने से पहले आपको मुझसे निपटना होगा। करता है कुत्ते के पिल्ले। पिताजी को गाली देकर आप अपनी अपनी बहन की अच्छी इज्जत कर रहे हैं। एक तवायफ के लिए तो मामा जी। अरे मैं कहता हूँ कि बदमाशी कर दिया तो घर से बाहर कह दे अपने भाई से कि चला जाए यहाँ से, वरना कुछ कर बैठूंगा। क्या कर बैठेगा? जरा मैंने तो सुनो राजू, अब खुश है तो चुड़े जी भर गया तेरा। माँ जी खबरदार मुझे अब कितनी शांति है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? राजू मैंने सोच लिया, मैं चली जाऊंगी। मैंने भी सोच लिया है। क्या? कि तुम नहीं जाओगी। बस मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। गाड़ी छूटने में सिर्फ एक घंटा रह गया है, मुसाफिर तैयार है। वैसे इस लड़की से घर में रौनक अच्छी थी, लेकिन क्या करें, रोजी बेटी पता है गाड़ी 4:30 बजे की है। सामान बांध लिया तूने? और ये क्या, ये तेरे कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो माँ के रोजी कहीं नहीं जा रही। समझ से काम ले राजू, पराई औरत है, अपने घर जाएगी ठीक रहेगी। इसका कोई घर नहीं माँ, कोई सहारा नहीं, इसे यहीं रहना है। इसे यही